20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय वाल्के हैप्पी होम्स। नमस्कार, स्वागत है आपका NBC न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। दिल्ली पुलिस समेत देश की सुरक्षा एजेंसियों में मंगलवार की शाम को उस समय हड़कंप मच गया जब इजरायली एजेंसी के पास धमाके की सूचना मिली थी। अब पता चला है कि पुलिस को देर शाम तक जांच में धमाके के कोई निशान नहीं मिले थे। हालांकि दिल्ली पुलिस को मौके से इजरायली दूतावास के नाम लिखा एक धमकी भरा पत्र मिला है। कर्नाटक में कोविड-19 के सब वेरिएंट JN1 के बढ़ रहे मामलों के बीच सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। राज्य सरकार की कोरोना वायरस को लेकर बनाई गई सब कमेटी ने मंगलवार को निवारक निर्देश जारी किए। एहतियात उपायों में कोविड के नियमों का पालन करना, जैसे सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, संक्रमित व्यक्ति का 7 दिनों का आइसोलेशन शामिल है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड और घने कोहरे का असर दिख रहा है। इसके कारण ट्रेन से लेकर हवाई यातायात पर बुरा असर पड़ रहा है। दिल्ली से ऑपरेट होने दर्जनों फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। कोहरे की घनी चादर होने के कारण दिल्ली से उड़ान भरने वाली कम से कम 35 फ्लाइट्स के ऑपरेशन पर असर पड़ा है। घरेलू शेयर बाजार ने साल के अंतिम सप्ताह के तीसरे दिन कारोबार की शानदार शुरुआत की। बुधवार को जैसे ही बाजार में कारोबार की शुरुआत हुई, सेंसेक्स करीब 300 अंक उछल गया। निफ्टी ने भी कारोबार की मजबूती के साथ शुरुआत की। बाजार के ओपन होने पर लगभग सारे बड़े शेयर ग्रीन जोन में रिकॉर्ड किए गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज सुबह हरियाणा के झज्जर जिले के गाँव छारा पहुंचे और वीरेंद्र आर्य अखाड़ा में पहलवानों से मुलाकात की। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पीछे धमाके के मामले में दिल्ली पुलिस को CCTV फुटेज में दो संदिग्ध नजर आए। अब पुलिस आसपास के CCTV की जांच करी है ताकि दोनों संदिग्ध किस तरह किस रूट से वहां तक आए पता लग सके। महाटर्क सुकेश चंद्रशेखर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस के आरोपों पर जवाब दिया है। सुकेश ने कहा है कि उसने जेल के अंदर से कोई भी व्हाट्सएप मैसेज या वॉइस नोट जैकलिन को नहीं भेजा है। सुकेश ने जैकलिन को लेकर लिखी एक चिट्ठी में कहा है कि उसने अपने प्यार और इमोशंस को लीगल तरीके से जैकलिन तक पहुँचा है। प्रकाश आम्बेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से महाविकास आघाड़ी में शामिल होने के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया है। छत्रपति संभाजीनगर जिले में प्रदेश अध्यक्ष रेखा ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ये फॉर्मूला तय किया गया कि अगर इंडिया गठबंधन में वंचित बहुजन आघाड़ी शामिल होती है या उन्हें शामिल किया जाता है, तो ऐसे में चारों पार्टियों के बीच में समान सीटों का बंटवारा होना चाहिए। महाराष्ट्र में हर रोज कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। मंगलवार को राज्य में कोविड-19 के 37 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 194 हो गई है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता संजय राउत ने कहा कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को अगले महीने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिवसेना का उत्तर प्रदेश के इस शहर से पुराना नाता है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट का पहला दिन विकेटकीपर बल्लेबाज KL राहुल और तेज गेंदबाज ककेसो रबड़ा के नाम पे रहा। बारिश से बाधित पहले टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया ने 8 विकेट पर 208 रन बना लिए। KL राहुल 70 रनों पर नाबाद है, वहीं ककेसो रबड़ा ने 5 विकेट झटके। सलमान खान आज 58 साल के हो गए हैं। एक्टर ने बीती रात अपने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में जन्मदिन सेलिब्रेट किया। खास बात यह है कि एक्टर अपनी भांजी संग जन्मदिन शेयर करते हैं। रणबीर कपूर की एनिमल ने पहले दिन से ही लोगों को अपनी कहानी से दीवाना बना डाला था। अब फिल्म को रिलीज हुए 26 दिनों का वक्त बीत चुका है, ऐसे में कलेक्शन के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। बता दें कि वर्ल्ड वाइड अब तक एनिमल ने 869.10 करोड़ रुपए जमा लिए हैं। ओवरसीज भी ये फिल्म 231 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है। पैन इंडिया स्टार प्रभास की फिल्म सलार बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाकर कमाई करी है, जहां 4 दिनों में ही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 250 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है, तो वर्ल्ड वाइड ये आंकड़ा 450 करोड़ के पार चला गया। कल देर शाम दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास विस्फोट होने के बाद इसराइल ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों को सतर्क रहने को कहा है। इसराइल ने अपने लोगों से सार्वजनिक और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने का आग्रह किया है। इसराइल और हमास के बीच पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से खूनी संघर्ष जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी प्रिंस से फोन पर बात की है। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने पर भी सहमति जताई।
यूपी सरकार अयोध्या के सभी दीवारों पर लोगों को राम के दृश्य दिखाने की तैयारी में जुटी है। बताया जा रहा है कि अब जल्द ही अयोध्या के राम मंदिर तक जाने के सभी रास्तों पर कंकड़ पत्थरों से स्कल्पचर बनाए जाएंगे, जो कि रामायण के आधार पर होंगे। इनमें राम की अलग अलग लीलाओं का चित्रण किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के क्लीन एनर्जी के सपनों को पूरा करने के लिए अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने जबरदस्त प्लान बनाया है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने 9,350 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार गौतम अडानी और उनका परिवार ग्रीन एनर्जी यूनिट में 9,350 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, ताकि कंपनी को वर्ष 2030 तक 45 गीगावाट कैपेसिटी का टारगेट हासिल करने लायक बनाया जा सके। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 16वीं किस्त फरवरी 2024 से मार्च 2024 के बीच जारी करने की संभावना है। हालांकि इस संबंध में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सरकार ने 15 नवंबर 2023 को योजना की 15वीं किस्त जारी की थी। पीएम किसान योजना के तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ दिया जाता है, जो 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में होता है। एनिमल फिल्म की भाभी 2 उर्फ तृप्ति डिमरी के लिए ये साल शानदार रहा है। साल खत्म होने से पहले ही एक्ट्रेस के हाथ एक बड़ा प्रोजेक्ट भी लग चुका है। दरअसल जल्द ही तृप्ति डिमरी आशिकी 3 में कार्तिक आर्यन संग इश्क फरमाती नजर आएंगी। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC न्यूज़। नमस्कार।